बहुत ही लविंग फैमिली के बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बच्चे हैं। फुल्ली आदमियों के अंदर क्या होती है, सोचिए दबंग ब्रीड पालने का है, वो टॉय ब्रीड नहीं पालना चाहता। तो मैं आपको सेंट बर्नार्ड का प्राइस बताऊंगा कि सेंट बर्नार्ड के पपीज का क्या प्राइस है। सेंट बर्नार्ड के पपीज जो है ना, पेन रिलीफ डॉग है। अगर आप पेन किलर खाते हो ना, पेन किलर की जगह हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं जितेंद्र परिवार सामरिया पेट शॉप से, और आज एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही क्यूट सेंट बर्नार्ड पपीज अवेलेबल है हमारे पास आज, और जर्मन शेफर्ड पपीज अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सेंट बर्नार्ड के बहुत सारे पपीज, और देखो मैं बुलाता हूँ उनको। सेंट बर्नार्ड भी आ गए हैं और जर्मन शेफर्ड्स भी आ गए, और बहुत ही सुंदर बच्चे हैं और बहुत ही लविंग फैमिली के बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बच्चे हैं। फुल्ली हैवी बोन, सेंट बर्नार्ड को बोला जाएगा हैवी बोन, क्योंकि हैवी बोन होता है ये। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा जर्मन शेफर्ड बच्चा कितना खूबसूरत है और बहुत ही हेल्दी बच्चा है। ये हमारा चीनू है, इसका नाम चीनू है। चीनू को आपको मिलाता हूँ मैं आज। तो चीनू को आपने पहली बार देखा होगा, चीनू को हमने पाल लिया है। और एक मैं आपको चमेली दिखाता हूँ, हमारी चमेली बहुत ही सुंदर चमेली है हमारी, ये कॉकस स्पैनियल, और बहुत सुंदर है और बहुत फ्रेंडली है। देखो बहुत ही फ्रेंडली है। आज हमारा मकसद है, हम आपको बहुत ही हेल्दी बच्चे दिखाना चाहते थे सेंट बर्नार्ड के। सेंट बर्नार्ड का कलर है ट्राई कलर, फुल्ली मार्किंग पपीज़ है, और जर्मन शेफर्ड के पपीज़ है, फुल्ली हेल्दी बच्चे हैं, ब्लैक एंड टैन कलर के, ब्लैक एंड टैन कलर के पपीज़ हैं और फुल्ली हेल्दी पपीज़ हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं हमारे पास बहुत ही हेल्दी हैं, और इनकी जो एज है ना लगभग है 40 डेज से 60 डेज तक के पपीज़ हैं ये सारे। ये 3 लीटर के पपीज़ हैं और 3 पेरेंट्स के पपीज़ हैं। तो लीटर जो बोलते हैं ना, वो 5 बच्चे 6 बच्चे जो मदर के, एक मदर के जो बच्चे होते हैं ना, उनको लीटर बोला जाता है। तो ये 3 मदर्स के पेबीज़ हैं। और मैं आपको अब इनका प्राइस बताता हूँ कि जैसे कि अभी जर्मन शेफर्ड पपी है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जर्मन शेफर्ड पपी जो है हमारा लगभग में ये है 15,000 का, और ये बच्चा जो है हमारा 22,000 का है। डिपेंड ये करता है इनकी क्वालिटी, लीनिएज, ठीक है, सेम पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये किन लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, जिनके पास जो, क्योंकि मेंस की क्या होती है ना, आदमियों के अंदर क्या होती है, सोचिए दबंग ब्रीड पालने का है, वो टॉय ब्रीड नहीं पालना चाहता। पर आपकी सोच है, मैं अच्छी बात है, अच्छी सोच है, बट बेसिकली मैं आपको ये की राय दूंगा कि आप अपने घर के स्पेस के हिसाब से डॉग पालिए। अगर आपका घर छोटा है तो आप छोटा डॉग पालिए, बड़ा है जैसे हमारा है बड़ा 1,000-1,200 गज का, तो आप बड़ा डॉग पाल सकते हैं। मैं सेंट बर्नार्ड 5-5 भी पाल सकता हूँ, बट लोगों के पास दिल्ली के अंदर फ्लैट सिस्टम है तो वो सेंट बर्नार्ड नहीं पाल सकते फ्लैट सिस्टम में, क्योंकि इसमें क्या आता है, फ्यूचर में जाके बच्चा परेशान होता है। जर्मन शेफर्ड फिर भी पाल सकते हैं, सेंट बर्नार्ड नहीं पाल सकते। तो सेंट बर्नार्ड का जो प्राइस है मैं आपको वो भी बताऊंगा। और देखिए कितना नॉटी बच्चा है, मेरे पैर खींच रहा है, ये मुझे च्यू कर रहा है पर मुझे काट नहीं रहा। तो इन सब चीज़ों को देख के आप ऐसा ना सोचिए कि आपको काट रहा है बच्चा, ये च्यूइंग होती है, जब इनके दांत निकल रहे होते तो च्यू करते हैं। तो कुछ भी चीज़ों को ये दबा के अपने दांतों के अंदर वो च्यूइंग को ख़त्म करना पसंद करते हैं। तो मैं आपको सेंट बर्नार्ड का प्राइस बताऊंगा कि सेंट बर्नार्ड के पपीज़ का क्या प्राइस है। सेंट बर्नार्ड के पपीज़ जो है ना, ऑलमोस्ट आपके 35,000 से 50,000 का पपी होता है, बहुत ही हेल्दी बच्चा है। जो बच्चे आप अडॉप्ट करें, हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ, जो भी बच्चा आप अडॉप्ट करें वो वेटनरी डॉक्टर को चेकअप कराएं, हेल्दी हो तब आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, बाकी कोई इशू नहीं होता। सारे सारे बहुत फ्रेंडली पपीज़ हैं और बहुत ही हेल्दी बच्ची हैं। तो और कलर भी बहुत अच्छा है इनका, और फुल्ली मार्किंग पपीज़ हैं। और ये दोनों ही ब्रीड, सेंट बर्नार्ड और जर्मन शेफर्ड, दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड होती है। जर्मन शेफर्ड सिक्योरिटी के लिए भी काम आता है, और ये सेंट बर्नार्ड को देख के तो लोग आते ही नहीं है घर के अंदर, क्योंकि सेंट बर्नार्ड वैसे ही अपने आप में एक दबंग ब्रीड है, तो सिक्योरिटी तो करेगा करेगा, पर इसका साइज़ होता है वो बहुत जाइंट साइज़ होता है। जाइंट के कारण से लोग जो गलत आदमी है, कोई गलत मेंबर है घर के अंदर, एंट्री ही नहीं करेगा डर के मारे, कोई चोर, कोई मतलब चोर भी नहीं एंट्री करेगा, कोई वकील भी नहीं करेगा, कोई पुलिस भी एंट्री नहीं कर सकती। जब तक ऑनर से पूछा ना जाए कि मे आई कम इन, तब डॉग को अंदर आपको करना पड़ेगा, जब अदर पर्सन अब घर के अंदर एंट्री करेगा। ये जो ब्रीड है ना, ये सिक्योरिटी के लिए है। आजकल जो है ना, लोग सिक्योरिटी के लिए भी डॉग पालना पसंद करते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट है, ये पेन रिलीफ डॉग है। अगर आप पेन किलर खाते हो ना, पेन किलर की जगह आप डॉग पाल लो ना, तो आपको कभी पेन ही नहीं होगा।
अगर आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, और आपके बच्चे आपके मोबाइल में लगे रहते हैं, पबजी खेल रहे होते हैं, अगर आपको पबजी से छुटकारा पाना है तो आप डॉग पालिए, कैट पालिए। ये आपको एकमात्र एक ऐसा है कि 24 घंटे आपको सिक्योरिटी देता है। इसके अलावा कोई भी, अगर आप गार्ड भी रखते हो वो भी आपसे 25,000 से 30,000 रुपये महीना का लेगा 24 घंटे, वो भी 24 घंटे में लेगा आपको सिक्योरिटी। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको अगर सिक्योरिटी के लिए भी डॉग पालना है तो आप जर्मन शेफर्ड अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से कोई जानकारी चाहिए या मेरे से ये बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं पेड अडॉप्शन में, तो नीचे दिए इंस्टाग्राम के लिंक पे आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझसे आप बात कर सकते हैं और मैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको ये डिलीवर कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।